Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रकाश और आप देख रहे हैं मिशन अब्रॉड। दोस्तों आज की जो वीडियो है, आज का जो टॉपिक है वो है कनाडा वर्क परमिट। कनाडा वर्क परमिट का प्रोसेस क्या है, व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ कैनेडियन वर्क परमिट। ठीक है, कनाडा वर्क परमिट का प्रोसेस हम आपको डिटेल में समझाएंगे। ठीक है, किस किस किन किन स्टेप से होके गुजरता है आपका वर्क परमिट। ठीक है, अगर आप इंडिया में बैठ के किसी भी कंट्री में बैठ के अगर आप सोच रहे हैं कि वर्क परमिट आपको इजीली मिल जाएगा, तो ये इतना आपको इतना इजी नहीं है। बहुत सारे स्टेप्स हैं, बहुत सारे डिपार्टमेंट से आपका ये होकर गुजरता है, तो उसके बाद फाइनली आपको वर्क परमिट इशू किया जाता है। ठीक है, तो वर्क परमिट जब आपको इशू किया जाएगा, वो कैसे इशू होता है, ठीक है, क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ आपने करनी पड़ती हैं, ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आगे। तो इसमें क्या है कि अगर आप कनाडा वर्क परमिट की बात करते हैं तो कैसे आप ले सकते हैं, हाउ यू कैन ऑब्टेन कैनेडियन वर्क परमिट, तो इसके लिए मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बनाए हुए हैं। ठीक है, पर्टिकुलर एक टॉपिक पे मैंने वीडियो बनाया कैनेडियन वर्क परमिट, जो वीडियो 1, 2, 3 करके मैंने आपको सेग्रीगेट करके आपको दिखाया हुआ है। ठीक है, आप उसको उन वीडियोज़ को ज़रूर देखें कि आपको आइडिया आ जाए कि कनाडा वर्क परमिट के लिए आपने कैसे अप्लाई करना है। सबसे पहली बात है जॉब ऑफर लेना। वर्क परमिट से पहले आप बात आती है जॉब ऑफर की, तो जॉब ऑफर कैसे आप ले सकते हैं, आपको जॉब ऑफर कैसे मिल सकता है। देखिए, अगर आप एजेंट से भी बात करेंगे तो एजेंट आपसे बहुत सारा पैसा लेगा जॉब ऑफर मंगवाने का, हो सकता है वो जॉब ऑफर फेक हो, बट अगर जॉब ऑफर फेक है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। उसको आइडेंटिफाई कैसे करना है, उसको चेक कैसे करना है, वो मैंने अपने वीडियो में बताया हुआ है, आप उन वीडियोस को जरूर देखें, इससे आपकी लाइफ बन सकती है। ओके, अब हम बात कर रहे हैं कि कैनेडियन वर्क परमिट प्रोसेस। वर्क परमिट प्रोसेस के लिए सबसे पहला है स्टेप है आपका जॉब ऑफर लेना। अब आपने जॉब ऑफर कैसे लेना है, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। सबसे टीडियस वर्क भी है आपका जॉब ऑफर ऑब्टेन करना, थोड़ा सा हार्ड वर्क है। आपने इंटरनेट पर बैठ के या फिर आपका नेटवर्किंग के थ्रू आपने अप्लाई करना पड़ेगा, उसके बाद ही आपको जॉब ऑफर मिल सकता है। अगर आप कनाडा विजिट करते हैं, सबसे ईजीएस्ट वे में जो आपको बताता हूँ, अगर आप कनाडा विजिट कर सकते हैं एज ए टूरिस्ट वीज़ा, आपके कोई रिलेटिव्स हैं, फ्रेंड्स हैं, या फिर आप खुद ही इनिशिएटिव लेके कनाडा विजिट कर सकते हैं, तो आपको जॉब ऑफर मिल सकता है। वो कैसे, आप कनाडा आएँ, ओके कनाडा आएँ, इमिग्रेंट के पास जाएँ, ठीक है, आपके जो इमिग्रेशन लॉयर्स हैं या फिर कंसल्टेंट कंसल्टेंसी फॉर्म्स हैं, जो क्लासिफाइड साइट्स हैं, जो क्लासिफाइड पेपर्स आते हैं, ठीक है, जॉब ओपनिंग जो डेली पोस्ट होती हैं, मैं आपको एक क्लासिफाइड साइट के बारे में भी बता दूंगा अगले वीडियो में कि कौन कौन सी क्लासिफाइड साइट हैं, कहाँ पे डेली जॉब पोस्टिंग होती है। आप उन पे जाके अप्लाई करें और एम्प्लॉयर से मिलें। ठीक है, एम्प्लॉयर से जब आप मिलेंगे तो एम्प्लॉयर आपको सामने देखेगा, आपका इंटरव्यू ले सकता है। देखिए, सामने आपका अगर होना और अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो बहुत सारा आपका 100% डिफरेंस हो जाता है। ठीक है, एम्प्लॉयर आपको देख रहा है, फेस टू फेस आपसे बात हो रही है, आपकी कैपेबिलिटी चेक हो रही है, ठीक है, आपसे कम्युनिकेशन प्रॉपरली कम्युनिकेशन हो रहा है, कॉन्टैक्ट है, तो इस केस में आपके जॉब ऑफर पाने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। अगर आप ऑनलाइन अप्लाई कर रहे हैं तो इस केस में आपके जॉब ऑफर पाने के चांसेस मैं बोलूँगा 10%, 20% या 25% मैक्स हैं। ठीक है, तो बेस्ट है कि आप कनाडा एक बार विजिट करें, प्लान बनाएं, ठीक है, और विजिट वीज़ा कैसे आपने ऑब्टेन करना है उसका भी मैंने डिटेल डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप उसको भी देख लें ताकि आपको आइडिया आ जाए। तो चलिए बढ़ते हैं कंप्यूटर की तरफ, उसमें मैं आपको बताऊंगा कि टोटल प्रोसेस क्या क्या है, स्टेप बाय स्टेप ब्रेक डाउन करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं। ओके, अब हम बात करेंगे कैनेडा वर्क परमिट प्रोसेस के बारे में कि कैसे आप कैनेडा का वर्क परमिट ऑब्टेन कर सकते हैं, क्या क्या प्रोसेस होती है, चलिए देखते हैं इसे डिटेल से। ओके, तो जो भी फॉरेन वर्कर होते हैं उनको कनाडा में काम करने के लिए ESTC डिपार्टमेंट से लमिया इश्यू होना ज़रूरी होता है। ओके, तो जब लमिया इश्यू होगा उसके बाद ही आपका वर्क परमिट प्रोसेस में आएगा, और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, ये सारा एम्प्लॉयर की तरफ से होना है। एम्प्लॉयर सिंपली आपका एक एडवर्टीजमेंट रन करता है जिसमें उसको ये शो करना होता है कि उसको रिक्वायरमेंट है पर्टिकुलर पर्सन की, देन उसके बाद वो ESTC डिपार्टमेंट के पास जाता है, जहाँ पे ESTC डिपार्टमेंट
आई मीन एम्प्लॉयमेंट एंड सोशल डेवलपमेंट कैनेडा ये चेक करता है कि उसको एम्प्लॉयर को वो कैंडिडेट नहीं मिला जिसकी उसे तलाश थी, तब वो पॉजिटिव लमिया एम्प्लॉयर को ग्रांट करता है। ओके उसके बाद जब पॉजिटिव लमिया इश्यू होता है देन आपका टेम्प्रेरी रेजिडेंट वीज़ा का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो सबसे पहले है एम्प्लॉयर को जब किसी फॉरेन वर्कर की रिक्वायरमेंट होगी उस टाइम पे वो एक सिंपल सा ऐड पब्लिश करेगा नेटवर्क पे। जैसे ही वो ऐड पब्लिश होता है और विद इन 30 डेज उसे अगर कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिल पाता है तब वो ESDC डिपार्टमेंट के पास जाकर रिक्वेस्ट कर सकता है लामिया के लिए LMIA जो कि कहलाता है लेबर मार्केट इम्पैक्ट असेसमेंट। ठीक है, इसका मतलब ये है कि एम्प्लॉयर ने पूरे कनाडा में सर्च कर लिया है जिस स्किल कैटेगरी का वर्कर उसको चाहिए वो कनाडा में अवेलेबल नहीं है, तो उसको परमिशन ग्रांट की जाए कि वो फॉरेन वर्कर को हायर कर सके। जैसे ही ESDC को ये कंफर्म हो जाता है कि कनाडा में ऐसा कोई सुटेबल कैंडिडेट नहीं है तो उसके बाद ESDC एम्प्लॉयर को पॉजिटिव लमिया इश्यू कर देती है। ओके ये तो था एम्प्लॉयर की तरफ से लमिया का प्रोसेस। अब जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ कि अगर आपको जॉब ऑफर मिले कनाडा का तो उसमें आप एम्प्लॉयर को उसके साथ लमिया की कॉपी भी सेंड करनी पड़ती है, पॉजिटिव लमिया जो उसको मिला हुआ है उसकी कॉपी आपको सेंड करनी पड़ती है, तभी आप वर्क परमिट का काम आगे बढ़ा सकते हैं। तो ध्यान दें, अगर आपको वर्क जॉब ऑफर मिला हुआ है और रिक्वेस्ट करें लमिया के लिए, ठीक है, कई केसेस में क्या होता है कि लमिया अभी इशू नहीं हुआ है एंड ऑल दैट, बहुत सारे क्वेश्चन सामने आते हैं, बट वो सारे फ्रॉड के चांसेस उसमें ज़्यादा होते हैं। अगर आपको LMIA साथ में जॉब ऑफर के मिला हुआ है दैट मीन्स थोड़ा सा आपके पॉजिटिव चांसेस हैं कि फ्रॉड का यहाँ पे नाम कम हो। ओके तो आपने रिक्वेस्ट करना है जॉब ऑफर के साथ LMIA का। ओके अब जैसे ही उसको LMIA इश्यू होता है तो उसके बाद एम्प्लॉयर क्या करता है, जो जॉब ऑफर का जो टाइम होता है, सपोज जो उसका टाइम था जॉब ऑफर का उसको फिलिंग जो करनी थी 1 मंथ में फिलिंग करनी थी, ठीक है, 1 मंथ में जॉब फिल होनी थी बट उसे सुटेबल कैंडिडेट नहीं मिला तो फिर वो क्या करता है जॉब ऑफर को वो एक्सटेंड करता है, मतलब कि उसको 2 महीने 3 महीने जितना भी टाइम उसको लगता है कि इतना लगेगा उसको फिर वो एक्सटेंड करेगा। ठीक है, लामिया जब इश्यू हो जाएगा तो जॉब ऑफर फॉरेन वर्कर को दिया जाएगा, ठीक है, उसके साथ लामिया की कॉपी भी आपके साथ भेजी जाएगी, डिटेल जॉब ऑफर जो भी होता है जॉब ऑफर कंपनी के पे डिपेंड करता है किस तरीके का जॉब ऑफर है, देन उसके बाद आपको जॉब ऑफर और लामिया की कॉपी मिल जाती है। ठीक है, तब तक ये एक्सटेंड करने का मतलब ये है कि आपकी जो जॉब ओपनिंग जॉब है पोजीशन है उसको होल्ड पे रखा जाएगा। ठीक है, इसके बाद है फॉरेन वर्कर अप्लाइज फॉर वर्क परमिट। अब क्या है, फॉरेन वर्कर जैसे कि हम लोग हैं, हम लोग क्या करते हैं वर्क परमिट के लिए अप्लाई करते हैं, और वो कहाँ अप्लाई होता है, कैनेडियन ESDC डिपार्टमेंट में, ESDC एम्प्लॉयमेंट सोशल डेवलपमेंट कैनेडा में ये आप अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, जैसे ही आप अप्लाई करेंगे सारे डॉक्यूमेंट्स के साथ, अब इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगने हैं वो अलग चीज़ है, ठीक है, वो मैं आपको अगले वीडियो में बना के बताऊँगा कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, कौन कौन से फॉर्म्स की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, वो हम आके नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आपने यहाँ पे ESDC में अप्लाई किया है और आपको वर्क परमिट कुछ दिनों बाद इश्यू हो जाता है। ठीक है, सबसे मेन यहाँ पे पॉइंट है कि आपको LMIA इश्यू होना है। ठीक है, अगर आप क्यूबेक के लिए अप्लाई कर रहे हैं, क्यूबेक में वर्क परमिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो उस केस में आपको CAQ का होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपके पास CSQ नहीं है तो इस केस में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो सकती है, बट क्यूबेक में काम करने के लिए आपके पास CSQ का होना ज़रूरी है।
क्योंकि आपको वहाँ का फॉरन जो भी एम्प्लॉयर है वो आपको इश्यू करके देता है। ठीक है, तो ये मेन पॉइंट्स थे मेनली आपका, जो सबसे एक बार रिपीट कर लेते हैं। इसमें क्या है कि सबसे पहले आपको एम्प्लॉयर लमिया के लिए अप्लाई करता है आपका एम्प्लॉयर, ठीक है, और जब पॉजिटिव लमिया इश्यू हो जाता है उसके बाद जॉब ऑफर को एक्सटेंड किया जाता है। ठीक है, टेम्प जो जॉब पोजीशन है उसको होल्ड पे रखा जाता है। ठीक है, फिलिंग नहीं की जाती है क्योंकि वर्कर नहीं है तो फिलिंग कैसे होगी। और इसके बाद है वर्क परमिट आपका इश्यू होगा। ओके, वर्क परमिट इश्यू होगा ESTC डिपार्टमेंट से, आपने सिंपली उसको अप्लाई करना है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये प्रोसेस, छोटा सा प्रोसेस है लेकिन लगता काफ़ी हैवी है, आपको ये समझ में आ गया है। फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं।